Hello students, today we are going to revise the topic learning from psychology. So let's start. Learning क्या है? Learning मतलब सीखना. जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो, है ना, उस चीज के इस चीज को कहते हैं learning, किसी भी चीज को सीखना. So let's start with introduction. One of the most important characteristics of human being is their capacity to learn. हम जो इंसान है, हमारे एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है ना कि हम सीख सकते हैं किसी भी चीज. जबकि ये सारी ये चीजें दूसरे लिविंग एनिमल्स में, बर्ड्स में, उन सब लोगों में नहीं है. ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ इंसानों में है कि हम कोई चीज सीख सकते हैं, है ना. एंड इंडिविजुअल स्टार्ट्स लर्निंग इमिडिएटली आफ्टर बर्थ. जैसे ही बर्थ होता है, इंसान सीखना शुरू कर देता है. अवर पर्सनैलिटी, आवर हैबिट्स, स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ लर्निंग. जो भी हम हमारी आदतें हैं, हमारी सीखने की क्षमता है, जो भी हमारी स्पेशल स्किल्स है, जो भी हमारा नॉलेज है, एटीट्यूड है, वो सारी चीजें लर्निंग की वजह से है. ऑल आवर अडेप्टिव एज वेल एज मैल अडेप्टिव एंड कॉग्निटिव एज वेल एज अफेक्टिव बिहेवियर फॉर्म बाय लर्निंग प्रोसेस. जो भी हमारा अच्छा बिहेवियर है, बुरा बिहेवियर है, कॉग्निटिव अफेक्टिव बिहेवियर है, वो एक लर्निंग प्रोसेस की वजह से है कि हम जैसी चीजें सीखते हैं, हम वैसा बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं. दिस आर द वाइटल इम्पोर्टेंट इन हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू अडॉप्ट इन हिज एनवायरमेंट. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें होती है जो हम सीखते हैं. क्यों? क्योंकि हमें एनवायरमेंट में एडजस्ट भी होना होता है. तो ये था इंट्रोडक्शन लर्निंग का. Next, हम देखते हैं डेफिनेशन. The term learning covers every modification in behavior to meet environment requirements. ये जो term है learning, वो क्या cover करता है? वो cover करता है modification in behavior. आपके जो behavior का modification है या फिर आप modify करते हो, change करते हो, वो उसको बताता है. And to meet environmental requirements. और environment की मतलब आपके आसपास के वातावरण की क्या क्या जरूरत है, ना? वो चीज को पूरी करने के लिए आप जिस बिहेवियर को अडॉप्ट करते हो, जिस बिहेवियर को आप मॉडिफाई करते हो, उस चीज को कहते हैं लर्निंग. लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड. लर्निंग क्या है? जो भी आपकी हैबिट है, नॉलेज है, एटीट्यूड है, उस चीजों में जो बदलाव आता है ना, उस चीज को कहते हैं लर्निंग. इट इन्वॉल्व्स न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड इट ऑपरेट्स ऑन एन इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स ऑफ और टू एडजस्ट द न्यू सिचुएशन. लर्निंग क्या है? आपको किसी भी नई चीज को सीखने में हेल्प करता है. आपको कोई नई चीज अटेम्प्ट करनी है, उसमें हेल्प करता है. अगर आपके आप कोई काम करना चाहते हो और उसके बीच में कोई अवरोध आ रहा है, तो उसको ओवरकम करने में या उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है. किसी सिचुएशन में एडजस्ट करने में हेल्प करता है ना. तो ये एक प्रोग्रेसिव बिहेवियर है कि मतलब आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखते ही जाओगे, है ना. तो ये क्यों हम सीखते हैं? क्योंकि हमें एक गोल अटेन करना है. वो गोल क्या है? हमें अच्छी पढ़ाई करनी है. आप कॉलेज क्यों आते हो? ठीक है, पढ़ाई करने. पढ़ाई करके क्या होगा? आपको अच्छी जॉब मिलेगी. जॉब मिलेगी तो क्या होगा? एक अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छी लाइफ होगी. तो आपका गोल क्या है? अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग का एक गोल होता है कि हमें एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कॉलेज आना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना, पास होना पड़ेगा, नौकरी लेनी पड़ेगी, तब जाके आपका गोल अटेन होगा. तो ये सारी चीजें करने में जो आप सीखते हो, उस चीज को कहते हैं लर्निंग. नेचर ऑफ लर्निंग. लर्निंग इज अ प्रोसेस. जैसे मैंने पहले कहा, लर्निंग एक प्रोसेस है. इट इन्वॉल्व्स ऑल द एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल विच हेल्प्स टू चेंज हिज बिहेवियर. ये उस चीजों को इन्वॉल्व करता है जो कि आपका एक्सपीरियंस है, जो कि आपका ट्रेनिंग है ना. क्यों? क्योंकि आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए. लर्निंग प्रिपेयर्स द इंडिविजुअल टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट इन द सिचुएशन. लर्निंग हमें सिखाता है कि एक इंडिविजुअल कैसे किसी चीज में या किसी सिचुएशन में एडजस्ट हो सकता है या किसी भी सिचुएशन को वो अडॉप्ट कर सकता है. ऑल द लर्निंग इज पर्पजफुल एंड गोल ओरिएंटेड. हमारी जो भी लर्निंग है वो किसी चीज के लिए, किसी पर्पज के लिए होती है. हम बिना पर्पज के कोई काम नहीं करते और उसका एक गोल होता है ना, गोल ओरिएंटेड होता है. तो लर्निंग इज पर्पजफुल एंड गोल ओरिएंटेड. लर्निंग इज यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस. जैसे कि मैंने कहा, लर्निंग ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में चलता है. लर्निंग यूनिवर्सल है. कोई भी इंसान कहीं पे भी
कोई भी चीज सीख सकता है, ये क्या कहते हैं, एक प्रोसेस है, कोई इसका एंड नहीं है। जो मम्मा के बूंद से लेके मतलब पेट से लेके टॉम तक, कबर तक का होता है, कि जब आप पैदा होते हो तब से लेके, जब आपका बर्थ होता है तब से लेके जब आपकी डेथ होती है तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। तो इट इज अ यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट इज कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस दैट गोज फ्रॉम बूम टू टॉम लर्निंग प्रोसेस। सो अकॉर्डिंग टू एच पी स्मिथ उन्होंने तीन चीजें बताई है कि मोटिव और गोल, जब भी हमारा कोई मोटिव होता है, हमारा कोई गोल होता है, तभी हम किस चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। एंड अ ब्लॉक टू अटेनमेंट ऑफ गोल, मतलब अगेन कोई कुछ रुकी हुई चीज है उसको आपको अचीव करना है तभी आप लर्निंग करते हो या फिर कुछ सीखने की कोशिश करते हो। टाइप्स ऑफ लर्निंग, वर्बल लर्निंग, ये जो बोलने से सीखते हैं, मोटर लर्निंग, लिख के सीखते हो, डांस करके सीखते हो, ईटिंग, खाने की हैबिट्स होती है वो सीखते हो। कॉन्सेप्ट लर्निंग, द लर्निंग इम्प्लीज दैट द इंडिविजुअल स्टार्ट टू थिंक इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके जो चीजें सीखते हैं उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सीखते हैं उसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। सीरियल लर्निंग, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप हम जो सीखते हैं उसको कहते हैं सीरियल लर्निंग। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक अगर चीजें देखने जाएं तो प्रैक्टिकल में होती है कि वाइटल साइंस लेने आने चाहिए। जब आपको वाइटल साइंस लेने आ जाएंगे तो फिर आपको कहेंगे कि हेयर केयर आना चाहिए, बेड बाथ आना चाहिए। तो मतलब एक होता है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स वाला प्रोसेस है ना सीरियल लर्निंग के, एक ग्राउंड लेवल से लेके टॉप लेवल तक कैसे जाना है। एसोसिएट लर्निंग, द इंडिविजुअल हैज सम मेंटल पिक्चर ऑफ हिज प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, ही ट्राइज टू लिंक अप हिज न्यू एसोसिएशन विद हिज प्रीवियस मेंटल पिक्चर एंड ही लर्न्स। तो हम सीखते हैं, एसोसिएट करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं कि हाँ हमने ये चीज पहले देखी थी, ये भी इसके जैसी है तो शायद ये इस तरह से काम करेगी। तो इसे कहते हैं एसोसिएट लर्निंग। परसेप्शन लर्निंग, साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच आर कंसीडर्ड एज अ फाइव गेटवे ऑफ नॉलेज। ऑल द नॉलेज इज बेस्ड ऑन द सेम परसेप्शन। परसेप्शन मतलब हम क्या परसीव करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या परसेप्शन है पर्टिकुलर चीज को लेकर। appreciation learning, the feeling makes the individual to learn more. appreciation मतलब जब आप कोई अच्छा काम करते हो हम आपको appreciate करते हैं कि वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया, पूरे क्लास में आपके लिए ताली बजवाना, तो एक appreciation होता है। उससे क्या होता है कि एक बार अगर आपको appreciation मिलता है ठीक है, तो आप दूसरी बार उससे अच्छी चीजें करने की कोशिश करते हो, so that is appreciation learning. attitudinal learning होता है, दिस एटीट्यूड कन्फर्म्स एज द इंडिविजुअल एक्वायर्स मोर एंड मोर नॉलेज। एक आपका एटीट्यूड होता है पढ़ने की तरफ का एटीट्यूड, जैसे आपको पढ़ना है तो आप अच्छे से अच्छी चीजों को लेके आप पढ़ने की कोशिश करोगे, या फिर बुरे से बुरे क्या कहते हैं प्रॉब्लम या सिचुएशन को भी ओवरकम करके एक आपका एटीट्यूड है कि नहीं मुझे ये चीज करनी है ठीक है। तो ये वो है फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द लर्नर्स। अब फैक्टर्स कौन से एसोसिएटेड है लर्नर के लिए, तो लर्नर्स फिजिकल हेल्थ, हमारी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर, एक बेसिक पावर होना चाहिए, द लेवल ऑफ मोटिवेशन, हम डेफिनेटली मोटिवेटेड होने चाहिए कि ये काम करना ही है या मुझे ये लाइफ में अचीव करना ही है, गोल ऑफ द लाइफ है ना। रेडीनेस एंड विल पावर, कि आप रेडी हो इस चीज को करने के लिए, विल पावर, हाँ जो भी हो जाए मुझे ये चीज करनी है। मैच्योरेशन, मैच्योर होने चाहिए आप किसी भी चीज को सीखने के लिए। एज, अकॉर्डिंग टू एज आपको सीखना चाहिए। इमोशन एंड सेक्स, तो ये सारी चीजें हैं फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द लर्नर्स। अब है लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रेडीनेस, के इन पर्सन रेडी टू लर्न, इंसान सीखने के लिए तैयार होना चाहिए तभी वो सीख सकता है, जबरदस्ती हम किसी चीज को नहीं सिखा सकते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जब आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो आप उससे बाहर आने की कोशिश करोगे, जब उससे आप बाहर आने की कोशिश करोगे तो आप खुद सीखोगे है ना। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस नंबर ऑफ टाइम्स, एक बार नहीं आया लिखा, दो बार लिखा, तीन बार लिखा, चौथी बार लिखा, पांचवी बार आप अपने आप लिखोगे कैसे, एक्सरसाइज करके, एक बार लिखा, दो बार लिखा है ना। तो रिपीटेशन होता है जब किसी चीज को लेके
तो कहीं ना कहीं हम सीखते हैं, लेकिन उस चीज को नंबर ऑफ टाइम करना पड़ता है, मतलब उस चीज की एक्सरसाइज करनी पड़ती है. लॉ ऑफ डिस्यूज विच इज नॉट प्रैक्टिस्ड बिकम डिके. देन लॉ ऑफ प्राइमेसी, इंटरेस्टेड नॉवेल्स, मतलब आपकी क्या प्रायोरिटी है ना, उस चीज को लेके. आपको नॉवेल्स पढ़ने अच्छे लगते हैं तो आप नॉवेल्स पढ़ोगे, आपकी प्रायोरिटी क्या है. देन लॉ ऑफ पर्पस, आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है. एंड लॉ ऑफ एसोसिएशन, आप किसी चीज को एसोसिएट करके अगर कुछ सीखना चाहते हो तो उसे कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन. अब हम बात करेंगे थियोरीज ऑफ लर्निंग, तो उसे कहते हैं बिहेवियरिज्म. आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो थियोरीज है उसे कहते हैं थियोरीज ऑफ लर्निंग, बिहेवियरिज्म. सो ऑल थिंग्स शुड बी लुक्ड एट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ बिहेवियर एंड इट डजंट मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन द माइंड, इट जस्ट मैटर व्हाट द बिहेवियर. मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो मैटर नहीं करता, आपका बिहेवियर कैसा है पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, पर्टिकुलर गोल को लेके, वो मैटर करता है. सो देयर इज नो डिफरेंस इन बिहेवियरिस्ट माइंड बिटवीन एक्सटर्नल बिहेवियर एंड इंटरनल थॉट्स. आपके दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हो, अगर आपका बिहेवियर टूवर्ड्स पर्टिकुलर सिचुएशन होगा कि मुझे ये काम करना है, आप वो काम करोगे. सो बिहेवियरिज्म के कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने थ्योरीज दी है. इवन पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है जो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पे काम करता है. एडवर्ड ली हॉर्डिक ने और जॉन वी वॉटसन ने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थ्योरी दी है. एंड बी एस स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है. तो ये चार जो बिहेवियरिस्ट है जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल साइंटिस्ट, उन्होंने ये कुछ थ्योरी हमें दी है, उसके बारे में हम देखेंगे. क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पहले देखते हैं. इसमें है कि जब आपके सामने कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आपको देते हैं, जैसे कि पहले इसमें देखते हैं बिफोर कंडीशनिंग, कि इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, फूड है, खाना रखा है एंड सलाइवेशन. सलाइवेशन मतलब जो मुंह में हमें जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, सलाइवा आना, ठीक है. तो इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है. अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब खाना रखा है, डॉगी आता है, देखता है कि खाना है, ठीक है, उसको सलाइवेशन होगा. फिर दूसरे में बेल है, ठीक है, बेल बजाया तो डॉगी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि भाई खाना आएगा, खुश होना, कुछ नहीं. अब कंडीशन रखी कि बेल बजाया प्लस उसको खाना दिया तो सलाइवेशन हुआ, देखो मतलब उसकी टंग कैसे बाहर है. देन आफ्टर कंडीशनिंग क्या है, सिर्फ बेल बजाया तब भी उसे लगा कि बेल बजा है तो खाना आएगा, तब भी उसके उसका सलाइवेशन हुआ, मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं. तो पहले में क्या था, अनकंडीशनल स्टिम्यूलस हो गया अनकंडीशनल रिस्पॉन्स की वजह से, और ड्यूरिंग कंडीशन में क्या हुआ कि उसका अनकंडीशनल स्टिम्यूलस था और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कि मतलब बेल भी बजाया. मतलब इसमें ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप किसी चीज को, किसी रिस्पॉन्स को लेके चलते हो, कोई भी कंडीशन होती है, ठीक है, जैसे खाना दिखाया, सलाइवेशन हुआ, बेल बजाने से डॉगी को कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उसको बेल भी बजाया और खाना भी दिखाया तब भी उसने वो रिस्पॉन्स शो किया है ना, और आफ्टर कंडीशनिंग जब बेल बजा तब भी उसको यही लगा कि शायद अब खाना आने वाला होगा, ठीक है. तो यह है कंडीशनल रिस्पॉन्स. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम पर्टिकुलर सिचुएशन को बार बार रिपीट करते हैं तो उस चीज को हम सीखते हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग जिसको कहते हैं, ये कंडीशन से हम सीखते हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी उसने एजुकेशन में कैसे इम्प्लीकेशन होते हैं उसके, पीयर लव टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज क्रिएटेड थ्रू लर्निंग. डर है, प्यार है, किसी भी चीज को लेके कैसे होता है कि किसी चीज को एक कंडीशन को लेके उसे हम क्रिएट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना कि हमने देखो पहले खाना दिखाया तो सलाइवेशन हुआ,
डॉगी को, फिर सिर्फ बेल बजाया तब कुछ नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है ना। फिर जब हमने खाना दिखाया और बेल बजाया तो अगेन उसने रिस्पॉन्स दिया, लेकिन जब सिर्फ सिर्फ बेल बजाया ना खाना दिखाने के बाद, तो तब भी उसका वही रिस्पॉन्स आया। क्यों? क्योंकि उसे ये लगा था कि मुझे खाना भी मिलेगा। तो ये सेम चीज है, अ टीचर टीचर मेथड ऑफ टीचिंग और अ हार्श ट्रीटमेंट ऑफ अ स्टूडेंट क्रिएट स्ट्रॉन्ग डिसलाइक अमॉन्ग देम टुवर्ड सब्जेक्ट। जब भी कोई टीचर स्ट्रिक्ट होता है किसी चीज को लेके, किसी बिहेवियर को लेके, पर्टिकुलर चीज को लेके स्ट्रिक्ट होता है, तो काफी लोग उनको हेट करने लगते हैं या काफी लोग उनको पसंद नहीं करते। अब जब पर्टिकुलर टीचर को पसंद नहीं करते तो साथ साथ में आप उस सब्जेक्ट को भी पसंद नहीं करते कि यार ये टीचर ऐसी है तो ये सब्जेक्ट को तो क्या ही पढ़ना है ना। तो इस चीज को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। द थियोरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग एम्फसाइज दैट द स्टूडेंट शुड बी एक्सपोज टू पॉजिटिव स्टिमुलाई इन ऑर्डर टू डेवलप डिजायरेबल हैबिट्स इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स इन देम। जब भी क्लासिकल कंडीशनिंग आपको करनी है, जब भी आपको क्लासिकल कंडीशनिंग इम्प्लाई करनी है ना, तो उसके लिए पॉजिटिव स्टिमुलस होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, तभी आप डिजायरेबल हैबिट्स आदतें या फिर इंटरेस्ट या फिर एटीट्यूड स्टूडेंट्स में क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये तो नाम से पता चलता है कि क्या है, जैसे एक कैट है इन पजल बॉक्स, ठीक है, उसे नहीं पता कि ऐसे बाहर कैसे निकलना है, उसने कहीं से ट्राई किया, खाना बाहर रखा है, उसको खाने तक पहुंचना है, उसने सारी चीजें ट्राई की कि यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना है, तो जब तक वो अपने गोल को अचीव नहीं कर लेगी तब तक वो ट्राई करती रहेगी। सो दिस इज ट्रायल एंड एरर लर्निंग। अब ये कैसे पढ़ाई में इम्प्लाई होती है, तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ Thordick's theory, according to him, when the child is ready to learn, he learns more quickly. जब भी आप कुछ सीखना चाहते हो तो आप जल्दी सीखते हो एंड अच्छे से सीखते हो effectively. He warned that the child should not force to learn. बच्चे को किसी भी चीज को सिखाने के लिए उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, एंड टीचर मस्ट प्रोवाइड लर्निंग एनवायरमेंट, एक लर्निंग एनवायरमेंट भी प्रोवाइड करना चाहिए। टास्क ऑफ द टीचर इज टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स बाय अराउजिंग इंटरेस्ट। टीचर्स को स्टूडेंट में इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से सीख सके, अपने गोल को अचीव कर सके। लर्नर्स शुड बी एनकरेज टू परफॉर्म हिज टास्क इंडिपेंडेंटली। जो भी सीखने वाला बच्चा है उसे अपने आप करने देना चाहिए काम, तो वो जल्दी सीखेगा। ही मस्ट ट्राई वेरियस सिचुएशन सोल्यूशन टू प्रॉब्लम बिफोर अराइविंग एट द करेक्ट टाइम। मतलब उसको डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन ट्राई करने चाहिए कि जब वो एक क्या कहते हैं स्पेसिफिक चीज को लेके श्योर ना हो जाए, है ना। तो ये था एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ थॉर्डिक्स थ्योरी, ट्रायल एंड एरर। एक बार ट्राई करोगे नहीं होगा, एरर आएगा, दूसरी बार ट्राई करोगे एरर आएगा, तीसरी बार हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्किनर्स थ्योरी। सो ऑल वी नीड टू नो इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन बिहेवियर is this actions followed by good outcome are likely to recur and actions followed by bad outcome are less likely to recur। मतलब जब भी हमारा अच्छा आउटकम होता है तो उसको अप्रिशिएशन मिलता है, जब भी अच्छा आउटकम नहीं होता है उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। तो इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग टेक्निक में बीएफ स्किनर यही कहते हैं कि जब पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होता है तो वो क्या करता है, इंक्रीज करता है इंक्रीज बिहेवियर ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द रिवर्ड। जब भी आप किसी चीज को या किसी बिहेवियर को लाना चाहते हो तो उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दो, मतलब पॉजिटिव चीजें कहो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, है ना। नेगेटिव रेनफोर्समेंट इंक्रीज अ बिहेवियर बाय रिमूविंग एंड अवर्सिव स्टिमुलस व्हेन अ बिहेवियर ऑकर्स। नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या है, आपको किसी गोल को अचीव करना है, बट जब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से वो चीज नहीं होती तो हम नेगेटिव रेनफोर्समेंट उनको देते हैं। नेगेटिव रेनफोर्समेंट का एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, कि जब भी कोई अल्कोहल एडिक्टेड पर्सन है उसे हमें अल्कोहल छुड़वाना है तो उसे हम
ऐसा मेडिकेशन देंगे कि जो उसकी जब भी वो स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल भी कंज्यूम करेगा उसकी एडवर्स इफेक्ट होगी, उसको तुरंत वॉमिटिंग हो जाएगी। तो जब ऐसा बार बार होता रहेगा तो उसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिलेगा कि छोड़ दो, ये नहीं करना मुझे, इससे मुझे वॉमिटिंग होती है। तो ये होता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। फिर होता है पनिशमेंट, डिक्रीजिंग अ बिहेवियर बाय एडमिनिस्ट्रिंग अवर्शन स्टिमुलस फॉलोइंग अ बिहेवियर और रिमूविंग अ पॉजिटिव स्टिमुलस। किसी चीज, किसी पर्टिकुलर चीज को लेके आपको बिहेवियर डिक्रीज करना है ना, तो उसके लिए अगेन मैंने जैसे कहा अवर्शन स्टिमुलस, मतलब ऐसी चीज उनको प्रोवाइड करो या ऐसे पनिशमेंट दो कि वो उस चीज को ही करना भूल जाए। देन एक्सटिंक्शन, डिक्रीजिंग अ बिहेवियर बाय नॉट रिवर्डिंग, मतलब एक्सटिंक्शन क्या है कि जो भी चीजें वो कर रहे हैं उसके लिए हम उनको कोई रिवर्ड नहीं देंगे, मतलब उसके लिए हम उनको कोई अप्रिसिएशन ही नहीं देंगे। तो ये चार चीजें, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, एक अप्रिसिएशन से नेगेटिव रेनफोर्समेंट, जब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से काम नहीं होता तब हम नेगेटिव रेनफोर्समेंट उनको प्रोवाइड करते हैं कि उस चीज की उनकी जो बैड हैबिट्स है वो छूट जाए। देन होता है पनिशमेंट एंड एक है एक्सटिंक्शन। रिजल्ट थ्योरी, सो जिसॉल्ट थ्योरी बिलीव्स इंडिविजुअल यूज इनसाइट एंड देयर प्रायर एक्सपीरियंस टू डिटरमाइन देयर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। दे ऑल्सो यूज लॉज ऑफ जिसॉल्ट थ्योरी टू ट्राई टू मेक सेंस ऑफ अ प्रोवाइड ऑर्डर इंफॉर्मेशन इन देयर परसेप्शन। This information leaves a trace in memory, trace linked together to form connection of information. The theory is closely related to the present day cognitive constructive view of learning. Problem solving is a good choice of instructional method to use to incorporate the belief of Gestalt theory. So, ये क्या है? ये हमारी इनसाइट, मतलब हमारी जो मान्यताएं हैं उसके ऊपर या फिर जो हमने पहले क्या एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर ये थ्योरी चलती है। जैसे कि यहाँ पे मॉन्की है, ठीक है, देखो ऊपर चढ़ना चाहता है, किसी चीज को पकड़ना चाहता है, तो पहले एक बॉक्स रखा उसके ऊपर चढ़ा, फिर एक मॉन्की उसको पकड़ के बैठा है, फिर उसको पकड़ के थोड़ा और ऊपर चढ़ा, फिर ये देखो, मतलब ऐसे वन बाय वन स्टेप करके पहले उन्होंने बॉक्स रखा, थोड़ा और ऊपर हुआ, फिर उसने देखा कि ये चीज काम कर रही है, फिर तीसरा बॉक्स रखा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर अल्टीमेटली ऊपर एक बनाना हैंग था उसको उसने पकड़ लिया। तो ये चीज कैसे हुई कि प्रीवियस एक्सपीरियंस, पहले एक बॉक्स रखा दूसरा रखा, तो ये चीज है कि ये चीज उन्होंने करते करते सीखी है प्रीवियस एक्सपीरियंस से। तो थ्योरी ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग वॉज इट्स लाइक साइकोलॉजी वॉज फाउंड इन जर्मनी इन 1912 बाय मैक्स वेटमिल एंड हिज कोलीग्स। द वर्ड Gestalt means from form of or shape or particular arrangements of elements. मतलब जब आप particular shape, particular arrangements में चलोगे, एक series wise, एक sequence wise चलोगे, तो आप goal achieve जरूर करोगे। आपकी चाहे वो insight को लेके हो, चाहे वो आपकी क्या कहते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस को लेके हो, है ना, जब भी आप किसी एक फॉर्म में, एक शेप में, एक अरेंजमेंट में अगर आप आगे बढ़ते हो उस आइडिया को लेके, तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ Gestalt थ्योरी, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिलेबस एंड प्लानिंग ऑफ द करिकुलम शुड गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यूज द मेंटल एबिलिटीज। मतलब जब भी हम आपका करिकुलम प्लान करते हैं पढ़ाई के लिए, है ना, तो उसमें ये चीज हेल्प करती है। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लर्निंग थ्रू इमिटेशन, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ द अदर्स। तो लर्निंग कैसे है, किसी चीज को देख के भी हम